U23 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 स्पेन ग्रीको रोमन 72 का एक बेहतरीन मुकाबला आप लोगों के सामने कजाकिस्तान वर्सेस इंडिया। भारतीय पहलवान विकास लगातार कजाकिस्तान के पहलवान को पुश करते हुए और ये डाक मारने का प्रयास, लेकिन अपने ही दाव में फिसले कजाकिस्तान के पहलवान। आप लोगों को बता दें कि फिसलने का कुश्ती में कोई पॉइंट नहीं होता। और ये चैलेंज फेंका गया भारतीय पहलवान विकास की तरफ से। देखना होगा कि निर्णय किसके फेवर में आता है। जूरी के निर्णय का वेट करते हुए और 2 पॉइंट दिए गए भारतीय पहलवान विकास को। जूरी का फैसला कि रेजिस्टेंस के बाद भारतीय पहलवान विकास अपोनेंट के पीछे आए हैं। और लो कानकर के पीछे जाने का प्रयास भारतीय पहलवान विकास के द्वारा, और ये 2 पॉइंट हासिल किए टेक डाउन करके भारतीय पहलवान विकास ने। बारदाज मारने का प्रयास, लेकिन रेफरी ने स्टैंडिंग से कुश्ती शुरू करवाई। पुल पूछ करते हुए दोनों ही पहलवान रेफरी का कहना है कि एल्बो से पुश ना करें। विकास को ये हिदायत दी गई है और कहा गया है कि सीधा लड़ें, झुके ना ज़्यादा।
और खेमे की पोजीशन लेते हुए किर्गिस्तान के पहलवान और एक बार फिर 2 पॉइंट हासिल किए भारतीय पहलवान विकास ने और भारंदाज मारने का प्रयास और बहुत ही अच्छा भारंदाज मारा भारतीय पहलवान विकास ने। हाफ टाइम दोनों ही पहलवान अपने अपने कोचेस के पास रिलैक्स होते हुए और आगे के खेल की रणनीति बनाते हुए। कुश्ती का दूसरा हाल और एक बार फिर पीछे जाने का प्रयास भारतीय पहलवान का, लेकिन अपने प्रयास में नाकामयाब रहे। खेमे की पोजीशन किर्गिस्तान के पहलवान लेते हुए और देखना होगा वो अपने अटैक को पॉइंट में तब्दील कर पाते हैं यानी, और साल तो मारने का प्रयास लेकिन अपने ही अटैक में दबे किर्गिस्तान के पहलवान। 0-10 का स्कोर। इसी तरह टेक्निकल सुप्रियॉरिटी से विजयी रहे भारत के पहलवान। और किर्गिस्तान की टीम की तरफ से चैलेंज फेंका गया। देखना होगा जूरी का क्या डिसीजन रहता है। और एक पॉइंट और दिया जाता है भारतीय पहलवान विकास को क्योंकि यू को लॉस्ट कर देते हैं किर्गिस्तान के पहलवान।